push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello friends, welcome back to this new vlog. तो आज है इवनिंग में ये मौसम, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है, अभी भी हो रही है और अब मानसून का मौसम है. और कितना साफ़ सुथरा पेड़ लग रहा है, बहुत खूबसूरत सारे पेड़ हो गए हैं. और बच्चे अब मांगेंगे इवनिंग स्नैक्स. तो मानसून में सबसे पहले इवनिंग स्नैक्स में आते ही हमारा नाम आता है कि पकोड़े बनाएं. तो मैंने चटनी बना ली है, हरी भी, इमली वाली भी और दही भी रखी है. तो आज क्यों ना आलू की टिक्की वाले पकोड़े बनाए जाएं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, हम सब बहुत शौक से खाते हैं. इसीलिए आज मैं बनाऊंगी आलू की टिक्की वाले पकोड़े, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है. और मैं चलती हूँ अंदर. और ये रहे हमारे पपीते, आने स्टार्ट हो गए हैं. और ये है हमारे घर के सामने वाली गुड़िया, इसका नाम है लीनू. और ये जब निकलती है तो मटक मटक के बहुत अच्छा डांस करती है. इसकी तो कमर ऐसे ही लचकती रहती है, जब देखो ये कमर मटकाती रहती है और इसका, और ये हर टाइम लटक मटक झटक करती रहती है. मिठी गुलाबो शिवी. और ये हो गई है बड़ी अब शरारती, क्योंकि ये चलने लग गई है और ये किसी के अब हाथ में नहीं आती है, ये सारी अपनी मर्जी करती है. और बुलाओ तो फिर चीखे मारती है. और इसको हर टाइम चाहिए लैपटॉप और मोबाइल. और वो देखो ये कैसे मोबाइल चला रही है, ये मेरी छोटी सी मीठी 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 मीठी. मैं चलती हूँ अंदर, बहुत हो गई मस्ती और बारिश भी शुरू हो गई है. तो अब चलते हैं अंदर, बाय बाय, चलो फिर मिलते हैं किचन में. मैंने आलू बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं और अब मैं इन्हें छीलूंगी. और साथ में तैयारी करी है, फ्रोजन मटर उबाल के रखे हैं, धनिया चॉप करा है, हरी मिर्च चॉप करी है. और अब मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाकर इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी. इसके सारे लम्स टूट जाने चाहिए, इसे विस्क से इसको अच्छी तरह फेंट लूंगी. अब छिले हुए आलूओं में मैं मैश करके मटर डाल दूंगी और बहुत अच्छे लगते हैं इसमें मटर. मटर भी पहले इसे बॉईल करके ठंडे करे थे और उसमें कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डाल के सारे सूखे मसाले स्वाद अनुसार डालूंगी. नमक मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, सीक्रेट मसाला, जितने भी मसाले आप डाल सकते हैं, अमचूर भी मसाला डल सकता है. और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के अब मैं इन्हें मिक्स करके और इनकी छोटी छोटी लोइयां बना लूँगी, जितने साइज के आप पकौड़े खाना चाहते हैं उतनी साइज के. और अब बेसन में मैंने डाला है चुटकी भर मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, उस पर लेमन ड्रॉप्स डाले. और जो मैंने ऑयल गरम किया है उसी ऑयल के 2 चम्मच मैंने इस बेसन में डालकर और इसको अच्छी तरह घोल दिया है. पकौड़ों के लिए मैंने पहले से ही मस्टर्ड ऑयल गरम करके रख लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक मिर्च और गरम मसाला. बस मेरा बैटर हो गया तैयार. और अब इसमें मैंने आलू की बनी हुई टिक्की को करा डिप और इसको निकाल के डाल दिया ऑयल में. और ये मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर दिया था और इस लोहे की कढ़ाई में ही मैं ऑयल हमेशा गरम करती हूँ, इसीलिए ये इतनी काली रहती है. डीप फ्राई करने के लिए मैं इसी कढ़ाई को इस्तेमाल करती हूँ. और फिर मैंने इसको फुल फ्लेम पे डीप फ्राई कर लिया और हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी ये आलू की टिक्कियों वाले पकौड़े हो रहे हैं तैयार. और इसको डार्क ब्राउन कर लिया है ताकि और अच्छे क्रिस्पी रहें, क्योंकि हमने इसको खाने हैं दही के साथ. और इस तरीके से मैंने सभी बैचेस में बना लिए हैं आलू टिक्की वाले पकौड़े. और अब इसको सर्व करूंगी, सब लोग बेचैन हैं इसको खाने के लिए. इस पे डालूंगी इमली और गुड़ वाली जो चटनी मैंने बनाई है उसको, और फिर दही.
और फिर धनिया पुदीना की चटनी उसके ऊपर डालूंगी और थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और ये हो गए हमारी आलू वाली टिक्की पकौड़ा तैयार। इसको आप चाट मसाला के साथ और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम दही के साथ खाएंगे। तो आप भी इस मानसून में ये टिक्की पकौड़ा बनाइए और खाइए और पूरी शाम का मज़ा लीजिए जैसा कि हम ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने थे, सबने बहुत खाए, तो आप भी बनाइए और खाइए और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।